हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ बथुआ की दाल। तो ये देखिए, ये बथुआ है, इसको हमने साफ़ कर लिया है और इसको धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। और साथ में ये हमने लिया है तुअर की दाल और ये मटर की दाल, दोनों मिक्स करके इसमें डालना है। और नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्ची, टमाटर और ये लाल मिर्ची है, इसको बाद में तड़का देने के लिए यूज़ होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको धो के छोटे टुकड़ों में काटना है। ये देखिए, हमने बथुआ को धो के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब ये जो दाल है, मटर और तुअर की, इसको भी हम धो लेंगे। देखिए, हमने दाल को धो लिया है, अब ये बथुए की इसमें डाल दूंगी। मैं इसमें ये एक टमाटर डालूंगी काट के। मिर्ची को इस तरह से फाड़ के डालना है। हमने चार मिर्ची लिया था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले। ये हमारा 2 चम्मच नमक है। ये सब मैं बंद करके सीटी आने के लिए रख दूंगा, कम से कम 4 से 5 सीटी आने हैं। 5 सीटी आ चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और फिर वेट करूंगी थोड़ा सा इसकी स्टीम निकलने के लिए। ये देखिए, हमारी स्टीम निकल गई है। मैं इसको खोल के, देखिए दाल और ये बथुआ की पत्ती, सब पत्तियाँ वत्तियाँ सब मिक्स हो गई हैं। इसको थोड़ा ऐसे ऐसे चला दूंगी। अब इसको मैं साइड में रखूंगी और इस पर बघाड़ लगाऊंगी। इसमें मैं डालूंगी ऑयल। देखिए, मैंने इसमें सूखी 3 मिर्ची ली है और 1 चम्मच हींग। तो पहले मैं मिर्ची को डालूंगी इसमें। मिर्ची लाल हो चुकी है, अब इसको मैं बंद कर दूंगी गैस को। गैस को बंद करने के बाद इसमें मैं डालूंगी हींग 1 चम्मच। हींग भी लाल हो चुकी है, अब इसको मैं डाल दूंगी, दाल के अंदर डाल दूंगी। इसको 2 मिनट के लिए बंद करके रखूंगी। इसको ठंडा होने पर एक बाउल में निकाल लूंगी। ये देखिए, मेरी बथुआ की दाल तैयार हो गई है। और इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए, और पसंद आए तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा।